इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट. नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. आज के गेस्ट बुरा ना मान जाए मैं, लेकिन ये आपको क्या हो गया, अचानक झटका मिला. मैं आते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम. ये जो आप लोगों ने मंजर देखा, इसमें मैं माजरत खाऊं, ये दूसरी माफी मांगी मैंने सीजन में. आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा. जनाब अली, मैच चल रहा था आज, एक गैर अहम मैच था अहम तरीन वर्ल्ड कप का, और वो था इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान. मैच की समरी हम आपको दिखाते हैं और क्या कमाल मैच हुआ, बल्कि अगर मैं स्कोर कार्ड भी दे सकूं, अगर समरी भी दिखा सकें. इंडिया ने आज एक बार फिर कमाल किया. इंडिया ने का सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट स्कोर है किसी भी वनडे में, वो 418 रन है वर्सेस वेस्ट इंडीज. आज इंडिया उसके बहुत करीब पहुंचते हुए 410 रन बना डाले इंडिया ने. और कमाल है, स्कोर कार्ड देखें आप, मतलब शुभमन गिल 51, रोहित शर्मा 61, राहुल 102, अय्यर 128, और इवन विराट कोहली ने भी आज एक बार फिर एक मिस सेंचुरी बनाई. कमाल, मतलब क्या बात है. और उसके बाद बासानी इंडिया ने ये मैच तो जीत ही लिया. खबर ये नहीं है, खबर ये कि इंडिया ने आज का मैच तो जीता ही, लेकिन इस वर्ल्ड कप के 9 मैच खेले, कह सकते हैं कि तकरीबन सारे के सारे जीते, वन साइडेड जीते सारे मैच. ऑस्ट्रेलिया का मैच थोड़ा बहुत फंस गया, 8-10 देखिए, वैसे वन साइडेड जीते. और आज जो इंडिया का जो बॉलिंग का स्कोर कार्ड है वो और फनी है, वो कमाल है. 9 बॉलर्स ने, 8 से 9 बॉलर्स ने बॉलिंग, किसी को विकेट कीपर ने नहीं कराई और अय्यर ने नहीं कराई. राहुल भी करवा सकता था अगर ग्लव्स कोई और पहन यानी जो कीपिंग कर रहा था सिर्फ उसने, और अय्यर ने बॉलिंग नहीं कराई. ये देखें, ये बुमराह, सिराज, शामी, कुलदीप, जडेजा, कोहली, गिल, सूर्या कुमार और रोहित, 9 बॉलर ने. ऐसा इंडिया की तारीख में 11 साल के बाद हुआ है कि जब इतने लोगों ने बॉलिंग कराई हो. विराट कोहली ने भी आज 3 ओवर्स कराए, और 7.5 साल बाद विराट कोहली ने भी एक विकेट ले डाली. यानी कमाल ही कर दिया इंडिया ने, क्या बात है. सो ये है आज की सूरत हाल. अगर हम एक लंबे को स्कोर मतलब पॉइंट टेबल भी दिखा सकें, क्योंकि अब ये पॉइंट टेबल खत्म हो गया है, अब यहां से आगे सेमीफाइनल्स का आगाज हो जाएगा. सारी टीमों ने 9 मैच खेल लिए. इंडिया क्लीन स्वीप, 9 में से 9 मैच जीत लिए, इसमें तालियां होनी चाहिए, नो डाउट, बहुत जबरदस्त खेला है. और उसके बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने 9 में से 7 जीते, न्यूजीलैंड ने 9 में से 5, हमने और अफगानिस्तान ने 4, इंग्लैंड ने 3, और बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड ने 2-2 मैच जीते. यानी मैं आपको अब किस मुंह से बताऊं, लेकिन है यही मामला कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड, जो कि इस टूर्नामेंट की कमजोर तरीन टीम है, जिन्होंने 9 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, हम जो टूर्नामेंट में 4 मैच जीते हैं उसमें से 3 इनके खिलाफ है. बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड, हम एक तगड़ी टीम से मैच जीते पूरे टूर्नामेंट में, जो कि न्यूजीलैंड है, वो मैच भी बारिश हो गई थी. तो खैर, ये सारी की सारी सूरत हाल है. अब पाकिस्तान की बैटिंग, बोलिंग, कैप्टनसी, बहुत सारी बातें, बट जस्ट अ क्विक कमेंट अगर इससे पहले, आदि भाई आपसे ले लूं मैं क्विक कमेंट, कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं आप? वसीम भाई, मैं इसलिए बैठा हूँ, पहली बात तो मैं अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सिलाई किया कि आज मैं अल्लामा पुरजोश पे ऐसा गेस्ट आया हूँ. क्या आंटी ने आपसे कहा था कि बेटा एक दफा तुम इतने बड़े बन जाओगे एक दिन कि तुम्हें ये तुम वहाँ बैठो, शो में मेहमान बुलाया जाएगा. दूसरा ये कि अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब मैं यहाँ बैठूं, वहाँ बैठूं, कहीं भी बैठूं, क्या फर्क पड़ता है? वर्ल्ड कप खत्म हो गया वसीम भाई, बंद करे बस. वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारी हमारे लिए टीम आउट हो गई, लेकिन प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में हल्ला गुल्ला है, तो सब कुछ है. वैसा प्रोग्राम में क्या करेंगे, क्रिकेट हमारी टीम तो है नहीं. क्रिकेट आप लोगों से ज्यादा बात करेंगे और एंटरटेनमेंट का एलिमेंट बढ़ जाएगा. आपने इनकी आवाज इतनी दबाने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं इधर आके बैठता हूं, यहीं आ गए आप. नहीं, मैं भी क्या करूंगा वसीम भाई, आप देखें ना, गेस्ट आते इतनी बात नहीं करते जितनी आज आपसे. गेस्ट वाली सीट पे आप बैठे, आप हमें हंसाएंगे, आप एंटरटेन करेंगे, कॉमेडी करेंगे. कॉमेडी? हाँ, कॉमेडी तो पाकिस्तानी टीम करके आ गई है वर्ल्ड कप में, उन्होंने आपका वाला काम कर दिया. चलो कोई बात नहीं, होता है. छोड़ो, हम मेहमान का तारुफ तो कराते हैं आपके. मेहमान जो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, ये कभी महंगे हो जाते हैं, कभी सस्ते हो जाते हैं, कभी इन पे 10 रुपए गिर रहे हैं, कभी इन पे 20 रुपए गिर रहे हैं. इनको जब भी इस्तेमाल किया हमेशा काला धुआं छोड़ा है. आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे सब मौजूद है फजल रहमान सर. सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक. वसीम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने, मैं कहूंगा आपने मुझे एज क्रिकेटर आज इनवाइट किया. नहीं नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया. इस मुल्क में तो हर कोई क्रिकेटर है, सबको ही पता है, तो हमें क्यों नहीं पता होगा. सर क्या कर रहे हैं? और दूसरी अहम बात बता दूं कि मैंने एक ग्राउंड बॉल, जो बॉल कीपर होता है, उसकी हैसियत से मैंने स्टार्ट किया था. फिर मैं इतना मायानाज बैट्समैन बन गया, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी. एक मोड़ आया
जी। और आप क्रिकेट छोड़ाया? छोड़ाया। वजह क्या हुआ था? वजह यह हुई कि अगर मैं क्रिकेट ना छोड़ता तो पाकिस्तान को एक अजीम बैट्समैन ना मिलता। क्या मतलब? जी हाँ, मैंने क्रिकेट छोड़ी है सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई वासित की वजह से। वाह भाई वाह वाह। क्या मतलब? अगर मैं ना छोड़ता तो मुझे टीम में ले आते। तो वासित भाई का चांस आप खत्म जी। चलो बड़ी मेहरबानी। वासित भाई ऑल द बॉयज आर प्लेइंग वेरी गुड। आप ओपनर थे जी? मैं मिडिल ऑर्डर था। तो चले भाई, मैं उस वक्त मिडिल ऑर्डर की हैसियत से आने वाला था। अच्छा सर, ठीक है सर। चले इसी बात पे कहते हैं कि कल जिंदगी ने घुमा। भाई शायरी दूसरे राउंड में होती है, पहला राउंड चल रहा है अभी, पहला हाफ चल रहा है शो का। क्या करनी है? बुराई करनी होगी? नहीं करेंगे ये आप मेरे ख्याल में आपकी नजर इधर पड़ी है। अच्छा भाई नहीं है। सो अब ये इस वर्ल्ड कप का जब एनालिसिस किया गया तो ये कहा गया कि जनाब स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा कमजोर रहा। जरा लेट्स हैव अ क्विक लुक कि हमारे स्पिनर्स ने इस वर्ल्ड कप में, पहले हम इंडिविजुअली देखते हैं, अलग से देखते हैं कि हमारी टीम के स्पिनर्स ने क्या किया, और फिर जरा कंपैरिजन में देखते हैं ताकि अंदाजा हो कि हम कहां खड़े रहे। चार चार स्पिनर्स, इफ्तिखार ने 8 मैचेस खेले, 4 विकेटें ली, एवरेज और इकोनॉमी भी सबका आपके सामने है। उसामा मीर ने 4 मैच खेले और 4 विकेट ली, इकोनॉमी 7 का। नवाज ने 5 मैचेस खेले, 2 विकेटें, शादाब ने 5 मैच खेली खेले 2 विकेटें, यानी कि 4 स्पिनर्स ने मिलकर 4 + 4 = 8 + 2 = 10 = 12, चारों स्पिनर्स ने मिलकर सारे मैच मिला के लिए 12 विकेटें। कंपैरिजन देखें आप कि ताकि आइडिया हम किधर खड़े हैं, कि हमारा कंपैरिजन बाकी स्पिनर से, एडम जैम्पा अगर इसको साइड को ब्लर आ रही है काफी सही कर रहे हैं, हमारे 4 स्पिनर्स ने सारे मैचेस में मिला के विकेटें ली हैं 12, ऑस्ट्रेलिया की 1 स्पिनर एडम जैम्पा ने विकेटें ली हैं 22, राइट सर। जडेजा ने 16, ये भी हमसे ज्यादा है। सैंटनर 15, अब्दुल रशीद 15, ये वास्तव में ये तो सारे नंबर ही सारी कहानी बता रहे हैं। ये क्या हुआ, ये स्पिन डिपार्टमेंट को किसकी नजर खा गई, क्या हो गया ये? एक मैं पहले बात कर लूं। हाँ जी जी जी। इफ्तिखार ने ऐसे नहीं कहा था, मैं 10 ओवर का बोल रहा हूँ, स्टॉप पे है वो। देखिए मिकी आर्थर ने कहा था ना, ही कीप्स टेलिंग मी आई एम 10 ओवर्स बॉलर, तो सही कह रहे थे कि नंबर 1 है। हां जी, टीम में एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुआ है वो, सही है। हां, जो दूसरे बॉलर्स का आप बता रहे हैं ना, 22 विकेट और साथ में एवरेज और इकोनॉमी तो देखें, तो सर उन्होंने 20-20 ओवर करे ना एक मैच में। अच्छा, हमारे वाले 5-5 ओवर करते थे, 6-6। अच्छा, साजिश हो गई हमारे खिलाफ, इन्हें साजिश हो गई, इन्हें ज्यादा विकेट नहीं। अच्छा, इसलिए हमारी बारी में बैटिंग पिचेस होती थी, उनकी बारी में स्पिन विकेट होती। हां लेकिन वसीम भाई, कल आप कल यार आप उधर जाके बैठे, आप क्या शुरू हो गए हैं, चले इधर यहाँ बैठ के वाकई अपने आपको मोसेस फील कर रहे हैं क्या? कल परसों आप खुद ही शो में बता रहे थे कि हमारे जो बॉलर है उन्होंने 500 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। ओ भाई, बनाए नहीं है, वो एक नेगेटिव रिकॉर्ड हो गया कि हमारे एक बॉलर ने इस वर्ल्ड कप में 533 रन दे दिए। He became the most expensive bowler of any World Cup. ये negative है। ओ खाए। ये expensive महंगा है, वो नहीं ये। हाँ, क्या हो गया? तो वासिफ भाई ये अगर दिखा सके वही स्पिनर्स का, अगर कंपैरिजन दिखा सके, कंपैरिजन वाली साइड स्पिनर्स की जैसे पहले दिखा रहे थे, तो ये यानी वासिफ भाई अब एवरेज का कंपैरिजन देखिए, हमारा जिसका सबसे कम एवरेज है वो है 62, और जैम्पा जडेजा ये सारे 18-18, 19-19 रन के एवरेज, वो जडेजा का इकोनॉमी 4 से भी कम है। वो उनके पास स्पिन बॉलिंग कोच है ना, स्पिन। हाँ। हमारे पास फास्ट बॉलिंग कोच है, उसको स्पिन करवाना नहीं आती। आपको क्या समझ आता है कमरन में, ये तो ये पूरी परफॉर्मेंस देख के, देखिए ये परफॉर्मेंस देखते हुए नजर आ रहा है कि जो एक साल पहले काम कर लेना चाहिए था ना, तो ये जो राइट साइड पे स्टैट्स है ना स्पिनर्स के, वो हमारी तरफ होने थे। काश परफॉर्मेंस बेस आप रेस्ट करवाते बैकअप तैयार करते तो ये डेफिनेटली हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करते। आप खिलाते जा रहे थे 2 साल से, सही है। खिलाते जा रहे थे, ड्रॉप नहीं कर रहे थे, बैकअप तैयार नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हमारे स्पिनर्स की हालत हुई। ऐसे स्पिनर्स नहीं थे जब टीम में आए हैं, आउट करके आए हैं, परफॉर्मेंस की है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आपका बैट पैच आता है, जब फॉर्म नहीं होती, तो आप उस वक्त टीम लड़कों को रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबी क्रिकेट खिलाने भेजते हैं। ये नहीं कि साथ रख के फेवर करते जाएं, जिसका नुकसान टीम को वो इन लड़कों को आज वो नजर थी नहीं जब वो स्पिन अटैक फेल हुआ था, आगे में कुछ था ही नहीं। आज वो देखिए, जितने आपने 5 स्पिनर्स दिखाए हैं ना, ये पूरे साल क्रिकेट से 2-3 मैच खेले हैं, बाकी रेस्ट पहले कह रहे थे उसामा को लाया, तो उसामा को भी ले आया, तो वो तो नहीं बात तब भी नहीं बनी ना। देखिए बात जो है हक की, वो स्पिनर था आपके पास, स्पिनर अभी भी बहुत है, अब्रार था आपके पास, सुफियान मुनीर 11 में 15 में तो नहीं था ना, मेहरान मुमताज 15 में क्यों नहीं डाला? हाँ, ये सवाल। दो राइट आर्म लेग स्पिनर आपने डाल दिए,
किसकी ईमा पे? वो तो फिर अलग बात है ना कि वो शादाब को कंकशन हो गया फिर भी आप अजहर भाई देखिए हाईलाइट कर दिया गया था। और आप अगर पिछला पूरा साल उठा के देखें ना तो अच्छी सीरीज में कोई भी ऐसा हमारा स्पिनर सामने नहीं आया कि यार मैन ऑफ द सीरीज हुआ हो या एक दो मैच इकट्ठे मैन ऑफ द मैच हुआ हो या तो पता लगा हो किसी ने 5 आउट किए किसी ने 4 आउट किए। तो मतलब अब परफॉर्मेंस अगर साल सवा साल नहीं आती ना तो लम्हे फिक्रियां होना चाहिए, काफी टाइम है किसी को जांचने के लिए, सिलेक्टर के लिए भी और टीम मैनेजमेंट के लिए भी। अगर आप सिर्फ आंखें बंद करके कह रहे हो यार ये कर देंगे, इन्होंने जैसे काम भी मैंने किया ना, इन्होंने परफॉर्म किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट पे, ये अच्छे प्लेयर है सब कुछ है, लेकिन अगर फॉर्म खराब हो गई है उसको ठीक कैसे होगी? वैसी नहीं जब आप बुरा हो रहा होता ना तो आप प्रैक्टिस भी बुरे की कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है कि यार आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप यू कीप डूइंग द रॉन्ग थिंग, फिर आपको टाइम ऑफ चाहिए होता है, थोड़ा सा टेक्निकल काम करना होता है। आप सोचना आपको क्या लगता है व्हाट मे बी द रीजन, जब इतना ऑब्वियस हो गया था कि यार जैसे एज यू योरसेल्फ सेड कि यार नहीं चल रहा है स्पिन अटैक, वर्ल्ड कप से पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या वजह होगी कि क्यों फिर चेंज नहीं किया आपने, क्यों मुख्तलिफ नहीं किया? ये तो अब समझ से बाहर है, ये तो वजह वही बता सकते हैं जो जारी जो डिसीजन मेकर थे, लेकिन आई थिंक इनको राइट टाइम पे चेंज कर लेते तो शायद यही प्लेयर वर्ल्ड कप में खेल रहे होते और यही परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन आपने क्या किया, कंटिन्यूअसली खिलाते रहे और वर्ल्ड कप में आके भी आपने आप प्रसिस्टेंट रहे कि यार हमने इन्हीं से जाना है, इंडियन फिर रिजल्ट फिर ऐसे ही आने थे। सो अब बादशाह को कहना जाना फिर मैं पेसर्स का एक्चुअली नीचे लेवल से ना ये काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। अब नीचे लेवल पे क्या काम हो वो मैं बता देता हूँ आपको। राइट आर्म लेग स्पिनर हमारे पास नहीं थे तो ये बोला गया जिसको बॉलिंग करना आती ना जो लेग ब्रेक का हाथ घुमाता उसको लाजमी सिलेक्ट करना, जो अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको सिलेक्ट नहीं करना। हमने इस तरह उभारने राइट आर्म लेग स्पिनर, जब वो कोई बच्चा बॉलर ही नहीं है तो उसको आप टीम में 16-15 में डाल लो ये जाती है ना। जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्या चेंज करना चाहिए था, इवेंट आ गया, आप एकदम से फिर बड़े इवेंट में इतनी चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ नहीं, आपको छह महीने पहले नहीं चल रहा तब क्यों नहीं? 6 महीने पहले जैसे मिसबा की बात की है तो मिसबा के टर्नओवर में भी शदाब की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी। इंग्लैंड टूर पे जो हम लोग 3-0 करके आए थे, मिसबा उस टाइम भी एक वेकअप कॉल शदाब को दे सकता था। उस्मान कादिर लेके आया, खिलाया, साथ रखा, साइड पे कर दिया, जायद को साइड पे कर दिया, सुफियान मुनीब शुएब जट को मेरे का आइडिया होगा सुफियान है जो लेफ्ट आर्म है वो है, मिरान मुमताज है, ये स्पिनर्स है हमारे पास, लेकिन क्या कि मौके टाइमली नहीं। अच्छा पेसर की तरफ आते हैं, पेसर्स की स्टोरी क्या है तो पहले दिखा सकें? ये ऑफकोर्स हम बहुत एक्साइटेड थे, नंबर वन पेस अटैक और सारा कुछ। शाहीन आफरीदी 18 विकेटें ली जो कि वसीम अकरम साहब का रिकॉर्ड बराबर किया नो डाउट, लेकिन वो उन्होंने वर्ल्ड कप में 18 विकेटें ली हैं, सबसे ज़्यादा एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ज़्यादा शाहीद आफरीदी ने ली है 21। 9 मैच 18 विकेटें, एवरेज और इकोनॉमी भी आपके सामने। हारिस रऊ वेरी एक्सपेंसिव अगेन और 9 मैच 16 विकेटें, वसीम जूनियर 4 मैच 10 विकेटें, हसन अली 6 मैच 9 विकेटें। अब अगर कंपैरिजन दिखा सकें ताकि थोड़ा सा हमें उसको क्लियर कर दें अगर इस स्लाइड को थोड़ी सी प्लीज, तो सबसे पहले है मधुशंका से अगर कंपेयर करें अगेन 21 विकेटें, एवरेज इकोनॉमी भी आपके सामने, फिर 18 विकेटें 17 बुमराह और जेंसन भी 17। नाउ अ क्विक कमेंट आप तीनों से स्टार्टिंग फ्रॉम यू अगेन बासित भाई, ये पेस अटैक का बहुत बहुत ज्यादा रन दिया, एवरेज बहुत खराब है। हाँ जिस तरह के बॉलर थे जो नाम था ना वो एशिया कप से खराब हुआ है। हाँ जी वर्ल्ड कप का तो मैं जाता ही नहीं हूँ, सही तो फेटा लगा है ना एशिया कप में जो राहुल ने और विराट कोहली ने मारा है, वहां से आपके फास्ट बॉलर को तितर बितर कर दिया, जुमला बोल रहा हूँ तितर बितर कर दिया। सो कामरान भाई आपने स्पिनर्स का बताया, आप पेसर्स के बारे में बताइए कि क्या एशिया कप हमने देखा कि फॉर्म खराब हो रही है। देखिए पेसर जब तक आप नए बॉल के साथ आउट नहीं करेंगे ना उतनी देर टीम को आप जितवा नहीं सकते, बॉलिंग मैच जितवाती है वनडे में भी टेस्ट मैचेस में भी, और यही एक प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम में रही है। शाहीन का एक पैर बना हुआ था नसीम का, उसका इतना प्रेशर लिया, अभी तक हम कहते हैं कि नसीम होता तो टीम को पता नहीं क्या कर देना था, लेकिन एक्सपीरियंस है, मैच विनर है, नए बॉल के साथ ये आउट करता है तो शायद पाकिस्तान की पोजीशन और स्ट्रांग होती। हाँ। यही वजह रही है कि ये इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं नहीं समझता ये इकॉनमी उसने दी हुई है, ये इसको और बेहतर करनी चाहिए थी, आउट भी करने चाहिए थे और आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता आउट करके देता। What went so wrong with Harris? In general भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सिवाय बुमराह को निकाल के देखें ना सबके इकोनॉमी रेट सिमिलर है दोनों पाकिस्तान के साथ मैच। Six, ठीक है, आपकी बॉलिंग जारी बात है, यहाँ पे बैटिंग ट्रैक्स हैं, यहाँ पे इकोनॉमी तो थोड़ी सी बढ़ेगी 350, लेकिन आपने जो इकोनॉमी कवर की है ना अपनी बेसिकली।